इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की अदालत में पेशी हुई। दिल्ली सीएम को लेकर राज रेवेन्यू कोर्ट पहुंची सीबीआई और अदालत से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की मांग की गई है। वाजह रहे कि सीबीआई इस पूरे मामले में अब इन्वॉल्व हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल से पहले पूछताछ की गई, तिहाड़ जेल के अंदर सवाल जवाब हुए और अब उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। केजरीवाल को जेल भेजने की मांग की जा रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन ईडी के जरिए कुछ दलीलें रखी गई, उसके बाद से उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया गया और फिर उसके दिन फिर उसी टाइम सीबीआई की भी एंट्री होती है और फिर सीबीआई के जरिए उनसे पूछताछ की जाती है और उनकी रिमांड मांगी जाती है और अब उन्हें जेल भेजने की मांग की जा रही है। तो बता दें कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की अदालत में आज पेशी हुई। दिल्ली सीएम को लेकर राउस रेवेन्यू कोर्ट पहुंची है सीबीआई और यहां अदालत से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की मांग की जा सकती है। सीबीआई भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। पहले जेल से ही पूछताछ की जा रही थी, तिहाड़ जेल में सीबीआई की टीम पहुंच रही थी और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही थी और अब आपको बता दें कि अदालत से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की मांग की जा सकती है सीबीआई के जरिए और राउस रेवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है सीबीआई अरविंद केजरीवाल को। शराब घोटाला मामले में सीबीआई भी पूछताछ कर रही है और 29 जून तक का वक्त दिया गया था सीबीआई को पूछताछ करने के लिए। आज सीबीआई राउस रेवेन्यू कोर्ट लेकर अरविंद केजरीवाल को पहुंची है। वाजह रहे कि अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत को लेकर लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई राहत उन्हें नहीं मिल पा रही है। सिर्फ अगर इलेक्शन के वक्त का टाइम देखे तो उस वक्त उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सेहत का भी हवाला दिया, लेकिन किसी तरह की कोई गुंजाइश जमानत देने की नजर नहीं आई।